नमस्कार, मैं हूँ संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें कि आज इम्पोर्टेंट दिन था आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का। उसके बाद का स्टॉक मार्केट का हाल ये है कि मार्केट में पॉजिटिव रिएक्शन है, क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को बिल्कुल ना बढ़ाया है ना घटाया है, न्यूट्रल टेरिटरी में चल रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स, जहाँ से कोई मूवमेंट नहीं है, तो उसको मार्केट ने वेलकम किया है। और 364 पॉइंट्स का आज जंप आया है मार्केट में, क्योंकि स्टेटस क्वो है, फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं उसमें डिमांड कंफर्टेबल है और अभी इन्फ्लेशन का ऐसा कोई पैनिक नहीं हो रहा है, तो उसके लेके आरबीआई ने स्टेटस क्वो पॉलिसी, स्टेटस क्वो मतलब जस का तस, नो चेंज, तो वो वैसा रखा है, तो मार्केट उससे कंफर्टेबल लग रहे हैं। तो आज देखिए, आज जो रैली है पूरा वो सेंसेक्स में, तो जो बजाज ट्विंस जिसको हम कहते हैं, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, इन्होंने लीड किया है। ज़बरदस्त मूवमेंट आ रहा है इनमें, बहुत बड़ा मूवमेंट। देखिए बजाज फिनसर्व 5.5% से ऊपर, इतना बड़ा स्टॉक है, इसमें इतना बड़ा मूवमेंट आना एक अपने आप में इम्पोर्टेंट माइलस्टोन होता है। इनका देखिए मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का है, तो बजाज फिनसर्व 5% से ज़्यादा ऊपर, टॉप गेनर। उसके अलावा बजाज फाइनेंस, वो भी लगभग 4.25%। बजाज फाइनेंस ने काफ़ी बड़ा फंड रेजिंग एक्टिविटी जो है उसको अप्रूव किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, तो उसके बाद दोनों कंपनीज में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। उसके अलावा देखें टाइटन जो है, टाइटन आज बड़ा अच्छा मूवमेंट दिया है। आपको पता है शादियों का सीज़न आने वाला है, त्योहारों का सीज़न आने वाला है, तो टाइटन आपको पता है कि ज्वेलरी, एक्सेसरीज, वॉचेस, बाकी सब चीज़ें उनमें डील करते हैं, तो ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, 3% का इसमें गेन आया। दूसरे ज्वेलरी स्टॉक की अगर हम बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स, इसमें भी आज अच्छा मूवमेंट है, 10% से ज़्यादा। तो ये जो स्टॉक्स हैं इनमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट आज देखने को मिला है और मार्केट 364 पॉइंट्स के ऊपर। उसके अलावा देखिए इंडसइंड बैंक 2% ऊपर, ये आपके सामने जो आरबीआई पॉलिसी के बाद पॉजिटिव जो रिएक्शन जिन्होंने लिया है। उसके अलावा आज जो गोदरेज के स्टॉक्स हैं लिस्टेड 3-4 कंपनीज, उनमें बड़ा अच्छा मूवमेंट है। गोदरेज आप जानते हैं बॉम्बे का बड़ा ग्रुप, ऑल इंडिया प्रेजेंस है उनका। गोदरेज इंडस्ट्रीज जो उनकी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, वो तो आज ऊपर का सर्किट लग गया है, 20% सर्किट, ओनली बायर नो सेलर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गोदरेज एग्रोवेट, ये एनिमल फीड जो होता है उसकी कंपनी है, ये भी 7% से ऊपर है जंप इसमें। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इसमें भी काफ़ी अच्छा जंप है, 4% से ऊपर। आज जब इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई ने होल्ड किए हैं तो आज रियल इस्टेट स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा जंप आया, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी उसमें पार्टिसिपेट करता हुआ 4% से ऊपर का उसमें जंप है। तो आरबीआई पॉलिसी स्टेटस क्वो है, मार्केट में अच्छा जंप उसके बाद आया है, क्योंकि मार्केट ने स्टेटस क्वो को आरबीआई के वेलकम किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे चाहते हैं इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय फॉर नाउ।